बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी इस्रा शाहिद, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिंजर हेयर ऑयल। जिंजर हेयर ऑयल आपके बालों को टूटने से बचाएगा, यानी हेयर फॉल को रोकेगा, प्लस ये आपके बालों को सुपर स्ट्रॉन्ग करेगा, लंबा, घना और मज़बूत बनाता है। जिंजर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और काफ़ी अदर वाइटामिन्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करके इन्हें स्ट्रॉन्ग करता है और बालों को टूटने से बचाता है, यानी उनको लंबा, घना और मज़बूत बनाता है। मार्केट में जिंजर हेयर ऑयल काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आज मैं आपको इसका घर में ही बनाने का तरीका सिखाऊंगी, किस तरह बनेगा, कीप वॉचिंग। यहाँ पर मैंने 1 कप सीसम ऑयल यानी सफ़ेद तिलों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, पर्सनली मुझे सीसम ऑयल इस रेमेडी के लिए बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने 3 to 4 इंच यहाँ जिंजर यूज़ करा है। जिंजर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बालों के जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं ये सब स्कैल्प से शुरू होती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ या इन्फेक्शन हो गया हो या किसी भी किस्म की फ्लैक्स हो गई हो, तो जिंजर का ये ऑयल यूज़ करने से आपकी सारे प्रॉब्लम, बालों की जितनी भी हेयर फॉल है या ग्रोथ नहीं हो रही या फिर जो बाल झड़ गए हैं वहाँ पर नए बाल नहीं आ रहे हैं, तो जिंजर ऑयल यूज़ करने से इंशाल्लाह आपके बाल बहुत जल्द आ जाएंगे और लेंथ भी जल्दी पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे छोटे से और बारीक पीसेस कर लिए हैं। ज़्यादा मोटे नहीं कीजिएगा, बिल्कुल बारीक बारीक आप इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस कर लीजिए। मैंने अपने चैनल में इससे पहले जिंजर जूस हेयर फॉल के लिए बताया है, आप वो भी साथ ही फॉलो करें, बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना नहीं भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि न्यू आने वाले फ्यूचर में वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब यहाँ पर मैंने एक स्टील का पैन यूज़ करा है, आप भी कोई स्टील का ही पैन यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसमें मैंने जिंजर ऐड कर दी है। एक बात नोट कर लीजिए कि इसका फ्लेम बिल्कुल ही स्लो होना चाहिए, जिस तरह से हम राइस को दम लगाते हैं इतनी ही फ्लेम पर हमें इसको रख के कुक करना है। इसको बर्न बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हमें इसको जलाना नहीं है वरना इसकी जो गुडनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इस ऑयल की टाइमिंग 30 मिनट है, 30 मिनट तक इसको कुक करना है, हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। थोड़ी ही देर के बाद आप इसको में देख सकते हैं कि बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और ऑयल की क्वांटिटी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। स्पून को कंटिन्यूसली चलाते रहिए ये ताकि ये लग ना जाए और जले नहीं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर इसको कुक कीजिएगा 30 मिनट तक। थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी इसके स्टार्टिंग थी तो कलर में कोई फ़र्क नहीं आया था ज़्यादा। आफ्टर 30 मिनट के बाद जब मैंने इसको चेक करा तो ये कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, तो मुझे टाइमिंग बिल्कुल ठीक लगी। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और थोड़ी ही देर के बाद इसका जो झाग था, सारे बबल्स वो सब ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कूल डाउन के लिए छोड़ दिया। ये देखिए कुछ इस तरह का कलर आना चाहिए, बिल्कुल इसको बर्न नहीं करना है वरना जो इसकी गुडनेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी, हमें इसकी गुडनेस को ख़त्म नहीं करना था। पर्सनली मुझे ये ऑयल बहुत पसंद आया है, पहले मैं ख़ुद अपने ऊपर ट्राई करती हूँ और इसके जब मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप ही लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इस ऑयल को मैंने 5 स्टार्स दिए हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये ऑयल कूल डाउन हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसको ये स्टेन कर लूँगी एक मलमल के कपड़े के साथ, आप स्टेनर से भी इसको स्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको स्टेन करती हूँ और फिर अपने हाथों से यानी कि हैंड से इसको प्रेस करके इसका ऑयल सारा अच्छी तरह से निकाल लूँगी। हमें कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं करना है, सारे ऑयल को मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। इस ऑयल को आप वीक में 3 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिए। ओवरनाइट लगाइए यानी रात में लगा लीजिए और मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए, या फिर आप नहाने से 2 घंटे पहले भी इसको लगा सकते हैं। विद इन अ मंथ आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कीजिए, कंटिन्यूसली उसका बाकायदगी से इस्तेमाल आपको 100% रिजल्ट्स देगा।
मैं गारंटी देती हूँ अगर आप इसी बात को फॉलो करेंगे, यानी कि जो भी ऑयल आप लगा रहे हैं आप कंटिन्यूसली उसको लगाते रहिए इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देंगे। ऑयल लगाने के बाद आप सर पे अपने मसाज ज़रूर करा करें, फिंगर से मसाज क्या करें, रात में कॉम करके ज़रूर सोएं ताकि आपका जो सर में ब्लड सर्कुलेशन होती है वो फास्ट होती है। इस तरह से बाल नहीं टूटते हैं और हेयर फॉल नहीं होता है, बालों की ग्रोथ होती है क्योंकि हमें ब्लड सर्कुलेशन हमारा फास्ट हो जाता है तो बालों की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है। जिंजर हेयर ऑयल आपके हेयर फॉल को रोकेगा, बालों को लंबा घना और मजबूत बनाएगा। अगर आपके बाल ड्राई एंड डैमेज हो गए हैं, उसमें शाइनिंग ख़त्म हो गई है तो उसको रिपेयर करता है। इस ऑयल में सीसम ऑयल यूज़ करा है तो सीसम ऑयल एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को ख़त्म करता है। तो आप लोग बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।